हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बात करेंगे जो भी है शानदार नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है सेंट्रल लेवल की है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे थे कि नई आगामी जो भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर बताओ, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और पहुँचता रहे फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी होने वाली है वो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है ना, तेलंगाना की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देंगे। एप्लीकेशन का जो है नोटिफिकेशन आपका देख सकते हो रिलीज हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो 18 सितंबर को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन माध्यम से भरे जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द क्वालिफाइड पर्सन ऑनलाइन ऑन बोर्ड वेबसाइट, ठीक है ना, ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर आपकी जो भी है ऑनलाइन किए जाएंगे। और यहाँ पर पोस्ट ऑफ बीएससी नर्स जो भी है नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स अंडर वेरियस डिपार्टमेंट, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंटों में आपकी जो भी है जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो नंबर ऑफ पोस्ट भी बताएंगे हम आपको कितने कितने नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी है आपका देख सकते हो 28 यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो गया, 28 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए भरना। उसके बाद में बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी यहाँ पर अक्टूबर 14 अक्टूबर 2024 यहाँ पर 24 को आपकी जो भी है जो डेट होने वाली है, ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन करना भूल गए, यहाँ पर 2024 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट है वो मेंशन करना होगी यहाँ पर। और उसके बाद में बात की जाए यहाँ पर एग्ज़ाम की, अगर डेट की बात करते हैं एग्ज़ाम की डेट इसमें दे रखी है 17/11/2024, इसमें एग्ज़ाम की डेट दे रखी है। अब यहाँ पर बात की जाती है यहाँ पर डिटेल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट, वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस प्रकार से है। तो नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स की यहाँ पर जो वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो 1576 यहाँ पर वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। उसके बाद में बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर तेलंगाना, ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर 332। देन उसके बाद में बात करते हैं आयुष में निकाली हुई है नर्सिंग ऑफिसर की, आयुष की तरफ से निकाली गई है जो भी है, आयुष डिपार्टमेंट है आयुर्वेदिक की तरफ से निकाली गई है 61 वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की। इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रिवेंटिव मेडिसिन यहाँ पर एक वैकेंसी है। उसके अलावा बात करें नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 80 वैकेंसी है। टोटल इस तरह से जो वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट है सॉरी 2050 यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका जो भी है किस तरह से इसमें रहेगा, किस तरह से जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो जो भी है सिलेक्टेड कैंडिडेटों को इसमें जो भी है बुलाया जाएगा, एग्जाम के माध्यम से आपका जो भी है इसमें सिलेक्शन रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट के भी आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन है। देन उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो भी दे रखा है नोटिफिकेशन, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, ठीक है ना, नर्सिंग जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM आपके पास में होना चाहिए और BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए। और यहाँ पर बात की जा रही है फर्दर द एप्लीकेंट्स शुड रजिस्टर विद द तेलंगाना नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है ना, तेलंगाना नर्सिंग काउंसलिंग से जो भी स्टूडेंट है रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वहाँ का होना चाहिए, इसमें रजिस्ट्रेशन तेलंगाना का मांगा हुआ है। ऑन द डेट ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड शुड अपलोड दिस सर्टिफिकेट ऑनलाइन, ठीक है ना। और यहाँ पर बात की जा रही है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन इसमें हो गई एज की अगर बात की जा रही है, तो एज आपको देख सकते हो 18 साल से लेकर के और 40 साल इसमें एज दे रखी है। एज का क्राइटेरिया भी, एज का रिलैक्सेशन भी आपको इसमें दे रखा है। एज का रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर कोई जो भी है स्टूडेंट है उसको लिए अप टू 5 ईयर का जो भी है यहाँ पर दे रखा है, लेंथ बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ रेगुलर सर्विस, ठीक है ना। एक्स सर्विस मैन की अगर बात की जाती है तो 3 साल का है। NCC की अगर बात करते हैं हु हैव वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, तो उसके बारे में अगर 3 साल का भी उसमें दे रखा है। STSC EWS की अगर बात करें 5 साल का है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए अगर बात करें तो 10 साल का इसमें जो भी है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दे रखा है। इस तरीका से फीस की अगर बात की जाती है तो फीस आपकी देख सकते हो एग्जामिनेशन फीस आपकी रहेगी ईच एप्लीकेंट मस्ट भी 500 रुपये, ठीक है ना, 500 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे। और यहाँ पर इस तरीके से जो भी है सारी की सारी आपको STSC की जो भी है फीस यहाँ पर कम बताई गई है, ठीक है ना, देख सकते हो 200 रुपये इसमें बताई गई है, 200 रुपये सॉरी आपकी जो भी है एप्लीकेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये है। और यहाँ पर जो भी है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इसमें डिवाइड किया हुआ है किस तरह से किसको यहाँ पर दे रखा है इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो। और रिटर्न आपका जो एग्जामिनेशन है वो रहेगा, द एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसमें होगा, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें बताया गया है, देख सकते हो आप 11
जो भी है 17/11/2024 को ही आपका होगा। 80 मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से सारा का सारा जो भी है यहाँ पर प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। नर्सिंग ऑफिसर की शानदार वैकेंसी है, इसमें आप भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मेन जो नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है वो है, आप देख सकते हो 1576 वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। बाकी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बता दिया है किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से नहीं रहेगा, एज रिलैक्सेशन का भी इसमें बता दिया। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलती है हम आपको रिप्लाई दे देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।